26 जनवरी के खास मौके पर पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर होती है, क्योंकि दिल्ली में परेड के दौरान राजपथ पर देश के शौर्य का प्रदर्शन होता है। इसीलिए इस खास मौके पर दिल्ली के कई इलाकों को सैनिटाइज कर दिया जाता है, ट्रैफिक के भी खास इंतजाम किए जाते हैं। ये इंतजाम कैसे और क्यों होते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी की परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक प्रबंध किए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी परेड विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ इंडिया गेट होते हुए सी हेक्सागन तक पहुंचेगी। जो मार्चिंग दस्ता है वो इंडिया गेट के आगे नेशनल स्टेडियम तक जाएगा, जबकि झांकियां हमेशा की तरह इसके आगे तिलक मार्ग होते हुए लाल किले तक जाएंगी। कोरोना की वजह से इस बार आने वाले मेहमानों की संख्या को और कम कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जहां पिछली बार करीब 25,000 लोग राजपथ पर परेड देखने के लिए पहुंचे थे, वहीं इस बार ये संख्या 7,000 से 8,000 के करीब ही रहेगी। इस बार परेड वही लोग देख सकेंगे जिन्हें पास मिला है या जिन्होंने टिकट लिया है। तो परेड विजय चौक से प्रारंभ होकर राजपथ होते हुए इंडिया गेट पहुंचेगी, प्रिंसेस पैलेस, और वहां से फिर तिलक मार्ग रेडियल पर टर्न करके यहां से जो मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं वो सी हेक्सागन होते हुए गेट नंबर 1 नेशनल स्टेडियम के अंदर प्रवेश करेंगे, और जो झांकियां या टेबलोज हैं वो तिलक मार्ग होते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए रेड फोर्ट के अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस बार COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए इनवाइटीज की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में संख्या ऑलमोस्ट लगभग 1/4 कर दी गई है, 1/4 कर दी गई है। इस बार मार्चिंग दस्ते का रूट 8.3 किलोमीटर से कम करके 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी की परेड को लेकर ट्रैफिक में कई बदलाव किए हैं। पुलिस के मुताबिक कई मेट्रो स्टेशन भी परेड के दौरान बंद रखे जाएंगे। 25 जनवरी की शाम 6 बजे से विजय चौक राजपथ से इंडिया गेट की तरफ 26 जनवरी की परेड पूरा होने तक कोई भी ट्रैफिक नहीं जा सकेगा। 25 जनवरी की रात के 11 बजे के बाद राजपथ पर क्रॉसिंग भी बंद कर दिए जाएंगे, जबकि सी हेक्सागन इंडिया गेट पर ट्रैफिक 25 और 26 जनवरी की आधी रात 2 बजे से परेड पूरा होने तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। ये प्रतिबंध इंडिया गेट से तिलक मार्ग की तरफ रहेगा। 26 जनवरी की सुबह 10 बजे से तिलक मार्ग से लेकर आगे सुभाष मार्ग पर दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रैफिक को परेड पूरा होने तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। देखिए, 25 तारीख की शाम को 6 बजे से विजय चौक की तरफ हम जनरल ट्रैफिक जो है नहीं अलाउ करेंगे, 25 तारीख की शाम को 6 बजे से। उसके बाद रात्रि के 11 बजे के बाद आपको ये जो राजपथ के 3 रोड जो है क्रॉस करती हैं, एक है रफी मार्ग, दूसरा है जनपथ और तीसरा है मानसिंह रोड, इनके ऊपर रात्रि 11 बजे के पश्चात से जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ किया जाएगा। सी हेक्सागन पर 26 तारीख की सुबह 2 बजे के पश्चात जनरल ट्रैफिक नहीं अलाउ करेंगे। पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी की सुबह अगर किसी को घर से निकलना है तो वो पहले रूट डायवर्जन के बारे में जानकारी जरूर ले ले, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें किस तरफ जाना है। हिमांशु मिश्र, दिल्ली, आज तक।